जी तैयार है सब? सर सर अच्छा, अब बताओ सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था? सर जी सबसे पहले ऑफर पर दिया गया था, सबसे ऑफर पहले दिया हाँ था, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ऑफर दिया गया था। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि ऑफर दिया जा रहा है, पब्लिक को ऑफर दिया जा रहा है। बताओ किस चीज का ऑफर दिया जा रहा है पब्लिक को? शेयर्स का दिया जा रहा है सर जी, हाँ, शेयर्स क्या शेयर्स का? बताओ खरीदने क्या दिया जा रहा है ऑफर शेयर्स का, के लिए शेयर्स। क्या दिया जा रहा है भाई? कि आप हमारे क्या खरीद लो, शेयर खरीद लो, है शेयर्स ना, आप हमारे शेयर खरीदो। अब बताओ ऑफर दिया खरीद जा रहा है, ध्यान से देखो, ऑफर दिया जा रहा है। क्या यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है? बताओ सारे बच्चे। नो। स्टेप नंबर वन में जो हम देख रहे हैं, स्टेप नंबर वन हमारा क्या था? बताओ स्टेप वन में क्या हुआ? ऑफर दिया ऑफर, सर जी हमने, हाँ ऑफर दिया गया है, ऑफर को आप बोल सकते हो तो इनवाइट किया गया है, ठीक इनवाइट किया है, इनवाइट किया है। अब बताओ इनवाइट करना, क्या क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है? नहीं सर जी, नो बोलो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। सर जो नेचर, फाइनेंशियल यस नेचर के ट्रांजेक्शंस होती सर, है उन्हीं को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बोलो हाँ या ना, यस है ना। तो सर, क्या यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है स्टेप नंबर वन में जिसमें मनी इन्वॉल्व है? नहीं ऑफर देने में भैया, सर, ऑफर देने में कौन नहीं सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आ गया, है ना? बोलो, सर, यस है सर, ना। तो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब बताओ अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या एंट्री होगी? नहीं होगी, स्टेप नंबर वन की जो है ऑफर देने की कोई भी एंट्री होगी क्या? क्या हम पास करेंगे? नहीं नहीं। नहीं करेंगे, सही है, बोलो, समझ आ रहा है। अच्छा, फिर क्या है यस स्टेप नंबर टू? स्टेप नंबर टू बताओ, ध्यान से देखो ये चीज। स्टेप नंबर टू में क्या हो रहा है? ये रहा स्टेप नंबर टू, बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? अप्लाई फॉर अप्लाई किया जा शेयर, रहा है फॉर शेयर्स। जो जनरल पब्लिक है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, ये लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? अप्लाई करेंगे। और अप्लाई अप्लाई एडवांस करने के लिए बताओ कैसे अप्लाई करेंगे? फोन करके या मैसेज करके या में, व्हाट्सएप करके? एडवांस में पैसे देने होते एडवांस हैं, में पैसा भिजवा एडवांस कर, बात समझ आई? तो बताओ एडवांस में पैसा सर, भिजवाएंगे तो यस यहाँ पे मैंने नोट भी लिखवाया है। क्या लिखवाया है? ऑलवेज थिंक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप नोट अकाउंटेंट हो, किसके नोट शेयर अकाउंटेंट हो? होल्डर कंपनी के अकाउंटेंट हो। कंपनी तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जरा सोचो और मुझे बताओ, कंपनी को आप यहाँ कंपनी के अकाउंटेंट हो, बताओ क्या हो रहा है कंपनी के अंदर सेकेंड वाले स्टेप पैसा आ में? रहा है, सेकेंड, पैसा आ रहा है, पैसा हाँ मिल रहा है, बिल्कुल अकाउंट बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंड वाले स्टेप में क्रेडिट कंपनीज के हिसाब से अगर सोचोगे तो सेकेंड स्टेप में कंपनी को पैसा मिल रहा है। यहाँ पे लिख जाएगी, देंगे यस सर, स्टेप टू। स्टेप टू में क्या हो रहा है? अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई फॉर कौन अप्लाई शेयर, कर रहे हैं यहाँ पे? जनरल जनरल पब्लिक। पब्लिक, जनरल पब्लिक क्या कर रही है? जनरल अप्लाई कर रही है, ठीक है। अब बताओ पब्लिक अप्लाई मार्केट कर करने दिया, की क्या जर्नल एंट्री होगी? ऑनलाइन आ रही है, क्या भाई बोलो? कुछ अच्छा, नो सर, तो बताओ अप्लाई करने की क्या एंट्री होगी? कंपनी के हिसाब से सोचो, कंपनी को क्या हो रहा है? कंपनी को पैसा आ रहा कैसा आ है, रहा है कंपनी सर जी, को तो यस पैसा आ रहा है, ठीक है। अब देखो जब बड़ी बड़ी सर, ट्रांजेक्शंस होती कैसा है,
जब बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन होती है तो कभी भी वो कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता, बैंक से होता, बैंक करते हैं सीधे चेक। ठीक है, अब कंपनी के हिसाब से सोचो, यहाँ पे कंपनी को पैसा आ रहा है, देखो अगर आप इसको देख रहे हो तो कंपनी पब्लिक क्या कर रही है, कंपनी जो पब्लिक है वो पैसा दे रही है, तो कंपनी को पैसा मिल रहा है ना, तो कंपनी एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, पैसा आ रहा है बैंक में, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसा आ रहा है, इसलिए बताओ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, आपने पढ़ रखा है, ठीक है, रूल्स वगैरह पढ़े, अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छा और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर्स को सब्जी। अब ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया, ठीक है, अब देखो पैसा किसने दिया है, जनरल पब्लिक ने, ये क्या कह रहे हैं, हमें शेयर चाहिए, ये क्या कह रहे हैं, हमें क्या चाहिए, शेयर चाहिए, तो इनको बोला जाएगा एप्लीकेंट्स, इनको क्या बोलेंगे हम, एप्लीकेंट्स मतलब वो लोग जो एप्लीकेशंस भरे, इन्होंने क्या करा, जो अप्लाई करा, हाँ बिल्कुल सही, जिन्होंने अप्लाई करा उनको क्या बोला जाएगा, एप्लीकेंट। तो बताओ इन्होंने पैसा दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये जितने भी लोग हैं जो हम जिसने हमको पैसा दिया है इनको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, ये क्या है, एप्लीकेंट। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेंट, बट हम एप्लीकेंट ना लिखकर, ठीक है, एप्लीकेंट ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं शेयर होल्डर, नहीं भैया यहाँ पे हम लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशंस, क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि पैसा आ रहा है, और टू एप्लीकेंट्स ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, अच्छी लैंग्वेज में लिखते हैं टू शेयर एप्लीकेशन, ये पैसा कहां से आ रहा है, एप्लीकेशन से आ रहा है, बताओ एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बात समझ आई, अच्छा कितना पैसा आएगा, पैसा कितना आएगा, हमने देखा था हमने 1 करोड़ मंगवाया था, है ना, यस सर, तो मान लेते हैं 1 करोड़, ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको ना कैलकुलेशन करके दिखानी भी होती है 1 करोड़ कहाँ से आया, बताओ हमारे पास शेयर कितने थे, यहाँ पे हमने देखा था अभी, बताओ कितने शेयर थे हमारे पास, 1 लाख, और एक शेयर की कीमत कितनी थी, 100 रुपए, हाँ बिल्कुल यही चीज हम यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, 1 लाख, 1 लाख है ना, ठीक है, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 करोड़, अच्छा नरेशन क्या होता है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करा है, नरेशन क्या चीज होती है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करी है उसको ब्रीफ में समझा देना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received from applicants, बस हो गया, पहली एंट्री बताओ, सबसे पहले स्टेप की कोई एंट्री बनेगी ऑफर देने की, नहीं, नो ऑफर देने की कोई एंट्री नहीं, क्यों, नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुई है तो नो एंट्री, उसके बाद क्या है स्टेप नंबर टू क्या है, अप्लाई कर रहे हैं लोग, तो बताओ अप्लाई करते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आ रहा है, और टू शेयर एप्लीकेंट, ठीक है, और 1 करोड़ लिख दिया हमने, नरेशन क्या लिख दी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, अच्छा स्टेप 3 बताओ, स्टेप 3 में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, बताओ स्टेप 3 में क्या हो रहा है, बोलो सर जी, शेयर अलॉट किया जा रहा है, देखो स्टेप 3 में 2 चीजें हो सकती है, दोनों नहीं हो रहा है, दोनों में से एक ही होगा, देखो क्या स्टेप 3,
स्टेप थ्री में जो है दो चीजें हो सकती है, यहां दो चीजें हो सकती है। एक क्या हो सकता है, कंपनी शेयर इश्यू करेगी। पहला क्या हो सकता है, शेयर इश्यू करेगी, पहला ये हो सकता है। या क्या हो सकता है बताओ, शेयर इश्यू नहीं करेगी, शेयर इश्यू नहीं करेगी, ठीक है। दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर कंपनी ने शेयर इशू करा, ठीक है, कंपनी ने शेयर इशू करा तो क्या एंट्री होगी, सोचो एंट्री क्या होगी। देखो समझो, ये क्या हो रहा है बताओ, तीसरे स्टेप में अगर इशू कर देगी तो कंपनी इन लोगों को क्या बना देगी, बोलो। अगर कंपनी शेयर इशू कर देती है तो ये जो जनरल पब्लिक है जिन्होंने पैसा भिजवाया था शेयर के लिए, ये इन लोगों को कंपनी क्या बना देगी, ओनर, ओनर बना देगी, मतलब शेयर होल्डर बना देगी, मालिक बना देगी, ठीक है। अब मालिक बनाने के लिए, मालिक बनाने के लिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है। यहां पे एंट्री देखो क्या होगी, यहां पे एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। और पैसा कितना आया था, 1 करोड़, ये लिख दो, 1 करोड़ से हमने क्या बना दिया, मालिक बना दिया, ठीक है। और नरेशन क्या कर दिया हमने, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एंट्री क्या बना दिया हमने, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अच्छा, ये एंट्री बनाई हमने, बोलो। अच्छा, अब देखो क्रक्स, अगर आप देखो तो क्रक्स देखो तो यहाँ पे हमने एंट्री क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमने एंट्री क्या पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया। अब बताओ पहले क्या करा था, क्रेडिट, अब क्या कर दिया, डेबिट। आपको पता है कि अगर कोई भी चीज कैंसिल करनी होती है तो जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो यह देखो, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो बताओ उसका अस्तित्व हट चुका है, यानी वो कैंसिल हो गया ना, यहाँ क्या हुआ क्रेडिट और यहाँ क्या हो गया, डेबिट हो गया, तो वो चीज कट गई, बोलो हाँ या ना। बचा क्या, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल, और क्या बचा, शेयर कैपिटल। तो क्रक्स अगर देखा जाए, अगर क्रक्स देखा जाए तो ध्यान से देखो, क्रक्स अगर देखा जाए तो क्या हुआ, बिजनेस को, कंपनी के पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रक्स अगर देखा जाए तो ये देखो, तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बचा गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन तो हट ही गया, ठीक है। दोनों एंट्री का क्रक्स देखा जाए तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर, सॉरी, कैपिटल, बोलो, है ना। अच्छा, अगर कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, अगर कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी तो बताओ तब क्या करना पड़ेगा, तब जो भी एप्लीकेशन आता है कंपनी के पास, जो सेकंड स्टेप में पैसा आया होगा एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट, क्या करना पड़ेगा, बोलो, रिजेक्ट, रिजेक्ट करने पे, रिजेक्ट करने पे कंपनी को जो भी पैसा मिला है कंपनी को करना पड़ेगा रिफंड। एप्लीकेशन का जो भी पैसा मिला है, एप्लीकेशन मनी जो भी मिला है कंपनी को, वो क्या करना पड़ेगा, रिफंड, रिफंड करना पड़ेगा, रिफंड, ठीक है, अगर शेयर इशू नहीं करती है तो, ठीक है। अब बताओ एंट्री क्या होगी, रिफंड करने की एंट्री क्या होगी, अगर शेयर एप्लीकेशन
जो पैसा आया है अगर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि हाँ भैया हम शेयर नहीं दे सकते, तो एंट्री क्या होगी? सिंपल, जो भी पैसा आया है उसको क्या करना पड़ेगा? वापस देखो, पैसा आया था तो आपने क्या करी थी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आया था। अब बताओ शेयर इशू नहीं करोगे तो क्या करना पड़ेगा? पैसा उनका वापस करना पड़ेगा। एंट्री उल्टी कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट टू बैंक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा आया था बोलो? एक लाख शेयर पे कितना पैसा आया था? एट द रेट ऑफ 100 कितना पैसा आया? एक करोड़। ये क्या करोगे आप? वापस करोगे। अच्छा, नरेशन क्या कर दोगे? बीइंग रिफंड शेयर एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड मनी रिफंड। पैसा क्या कर दिया आपने? वापस कर दिया। अगर शेयर नहीं दे सकते तो पैसा भी क्या कर दो? वापस। समझ आई? तो जनरल एंट्री अगर हम अभी हमने देखी है, पहले स्टेप की कोई भी एंट्री नहीं होने वाली है, दूसरे स्टेप की एंट्री होगी, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्टेप में कंपनी के पास राइट है कि कंपनी शेयर इशू करेगी या कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, ठीक है। ऐसी भी कुछ सिचुएशन आती है, कंडीशन आ जाती है कि हाँ कंपनी को शेयर इशू नहीं करना होता, उस टाइम फिर कंपनी पैसा वापस कर देती है। अगर शेयर इशू करेगी तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी तो पैसा वापस करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी बताओ? एंट्री रिवर्स हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस समझ आई? यस सर। किसी को भी कुछ पूछना है तो बताओ। इस प्रोसेस को ध्यान में रखना है हमेशा, ये प्रोसेस अगर भूल जाओगे तो आप फिर नहीं कर पाओगे। तीन स्टेप होते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑफर देना। दूसरा स्टेप क्या होता है? अप्लाई करना। और तीसरे स्टेप में कंपनी शेयर इशू करती है या शेयर इशू नहीं करती। बात समझ आई? यस सर। तब तो यस सर, चले फिर आगे। यस सर जी। अब देखो, अब आगे क्या करना है, जो हमारे शेयर्स है वो इशू तो कर देंगे, प्रोसेस आपने देख लिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लिया। अब शेयर इशू करने का प्राइस क्या होता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे हम हेडिंग बनाएंगे, शेयर्स आर इशूड एट डिफरेंट प्राइजेस। जो हमारे शेयर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे क्या होते हैं? इशू होते हैं। आपको शेयर पता है ना क्या होते हैं? बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। तो शेयर जो है वो इशू होते हैं सबसे पहले एट पार पे, एक होता है एट पार, एक क्या होता है एट पार, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एट पार। हाँ भाई, एट पार। दूसरा होता है, हाँ ईटी। दूसरा होता है, अरे भाई समझ जाओ ना, टी है ये, एट पार, ए टी एट पार, ठीक है। दूसरा है एट प्रीमियम। दूसरा क्या है? एट प्रीमियम। और क्या है? और है एट डिस्काउंट, ठीक है। जो हमारे शेयर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे इश्यू हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? एट पार, पार पे इश्यू हो सकता है, प्रीमियम पे इश्यू हो सकता है, और डिस्काउंट पे इश्यू। अब एट पार का मतलब क्या है समझो, देखो एट पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब है क्या सर जी? एट द रेट, क्या कह रहे हो
जिसे बोल सकते हैं एट द रेट। ठीक से आपकी एट द रेट। देखो पार का मतलब क्या होता है, पार का मतलब एट पार, पार पे इशू हो रहा है शेयर। पार का मतलब है जब आपके शेयर का फेस वैल्यू बराबर हो इश्यू प्राइस के। जब आपका शेयर का फेस वैल्यू बराबर हो किसके, इश्यूड प्राइस के। अब यहाँ पे हमें समझना है कि फेस वैल्यू क्या होता है और इश्यूड प्राइस क्या होता है। ठीक है, देखो फेस वैल्यू क्या होता है कि आपका शेयर की कीमत कितनी है, आपके शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। शेयर आप जानते हो ना, एक ये अभी दिखाया था जैसे ये है, ठीक है। अब ये क्या एक शेयर है, ठीक है। अगर आप ये खरीदते हो, इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। अगर आप ये खरीदते हो तो आप मेरी कंपनी में क्या बन जाओगे, बोलो, मालिक बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे, है ना। तो इस एक शेयर की कीमत मैंने कितनी रखी है, मान लो 100 रुपए रखी है। अगर आप ये खरीदते हो ना तो आप मेरे कंपनी में 100 रुपए से मालिक बन जाओगे, इस पे 100 रुपए लिखा हुआ है। तो इस 100 रुपए को हम क्या बोलेंगे, बोलो, फेस वैल्यू। शेयर की फेस वैल्यू कितनी रखी मैंने, 100 रुपए। 100 रुपए एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 रुपए। और मैं इसको बेच भी रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप ना एक काम करो, 100 रुपए में ले लो और मैं 100 रुपए से मालिक बना दूंगा आपको। आप इसको खरीदो, ठीक है, मुझे 100 रुपए दो और मैं अपनी कंपनी में 100 रुपए से मालिक बना दूंगा आपको। तो मतलब कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है, बोलो, 100 रुपए। 100 रुपए। और मैं आपको इशू भी कितने में कर रहा हूँ, 100 रुपए। इसको क्या बोला जाएगा, इशू ऑफ शेयर एट पार। बोलो, इसको क्या बोला जाएगा, इशू ऑफ शेयर एट पार। जब आपका शेयर का फेस वैल्यू बराबर होता इशू प्राइस के, उसको बोला जाता है शेयर इशू एट पार। बात समझ आई, धीरे धीरे समझ क्लियर हो जाएगा सारी चीज। अच्छा, फिर प्रीमियम की बात करते हैं। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब आपका फेस वैल्यू, जब आपकी फेस वैल्यू कम होती है इश्यूड प्राइस से, या आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो, जब इश्यूड प्राइस ज्यादा होता है फेस वैल्यू से, समझो जैसे ये शेयर, बताओ इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। 100 रुपए, ठीक है। मैं कह रहा हूं आप ये शेयर खरीद लो, मैं आपको मालिक बना दूंगा 100 रुपए से अपनी कंपनी में। आप कह रहे हो ठीक है, बट आप पूछ रहे हो भैया ये शेयर कितने का दोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपको ये शेयर मिलेगा 110 रुपए में। अब बताओ मैं आपको ये शेयर कितने रुपए में इशू कर रहा हूं, 120 में, 110 में, कुछ भी मान लो, 120 ले लेते चलो। फेस वैल्यू इसकी 100 रुपए है, मतलब अगर ये आप खरीदोगे तो मालिक बनोगे 100 रुपए से, ठीक है। बट मैं आपको इशू यानी दे कितने में रहूं, 120 में। तो बताओ फेस वैल्यू ज्यादा है या इश्यूड प्राइस ज्यादा है, इशू प्राइस। मैं आपसे 20 रुपए फालतू ले रहा हूं या कम ले रहा हूं, 20 रुपए मैं ज्यादा ले रहा हूं, ज्यादा, बोलो हाँ या ना, है ना। तो ये 20 रुपए को क्या बोला जाएगा, प्रीमियम। क्या बोला जाएगा, प्रीमियम। मैं इस शेयर को इश्यू कर रहा हूं एट प्रीमियम पे, ठीक है। मैं आपसे पैसा ले रहा हूं 120, बट मालिक बनाऊंगा 100 रुपए से। ऐसा भी होता है, जिनकी गुडविल अच्छी होती है, जिन कंपनी की गुडविल अच्छी होती है, वो प्रीमियम पे भी शेयर इशू करते हैं और लोग खरीदते भी है, ठीक है। बट यहाँ दूसरे वाले केस में आपने क्या देखा कि आप पैसा ले रहे हो 100 रुपए और मालिक भी कितने से बनाओगे, 100 रुपए से। तो क्या बोलेंगे आप, इश्यू ऑफ शेयर एट पार। यहाँ क्या है, प्रीमियम, कि पैसा तो ले रहे हो भैया 120 और मालिक बना रहे हो 100 रुपए से। फेस वैल्यू है 100 माल और पैसा ले रहे हो 120, तो 20 रुपए जो ज्यादा ले रहे हो उसको क्या बोला जाएगा, प्रीमियम। क्या बोला जाएगा, प्रीमियम। प्रीमियम क्या, कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। बात समझ आई,
अच्छा अब आप इतने तो समझदार हो, इतने समझदार हो कि बता दोगे इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट का मतलब क्या होगा। फेस वैल्यू ज्यादा होगी इश्यूड प्राइस से। फेस वैल्यू ज्यादा, फेस वैल्यू ज्यादा होगी इस बार। इस बार क्या होगा, फेस वैल्यू ज्यादा होगी किससे, इश्यूड प्राइस। मतलब फेस वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपए, अगर आप इस शेयर को खरीदोगे तो मालिक कितने से बनोगे, 100 रुपए। बट मैं कह रहा हूँ 80 रुपए दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भैया ये शेयर मिलेगा आपको 80 रुपए में, मतलब कंपनी को पैसा कितना मिलेगा शेयर के बदले, 80 रुपए। कंपनी के हिसाब से सोचा, कंपनी के हिसाब से, आप कंपनी हो, आप लोगों से पैसा मांग रहे हो 80 रुपए एक शेयर का, 80 रुपए, और बदले में उनको मालिक बना रहे हो 100 रुपए से, मतलब ऑनरशिप दे रहे हो आप। मालिक बनाना मतलब अपनी कंपनी में हिस्सा देना, आपको जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको देना पड़ेगा, ऑनरशिप दे रहे हो। तो माल आपने मांगी 80 रुपए शेयर के बदले, एक शेयर के बदले, बट ऐसे मांग रहे हो जैसे आप मालिक कितने से बना रहे हो, 100 रुपए। तो बताओ कहीं ना कहीं आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, बोलो। यस सर, बताओ। है ना, तो 20 रुपए जो कम, 20 रुपए जो आप कम ले रहे हो, वो 20 रुपए क्या है, 20 रुपए डिस्काउंट। तो अब आई होप आपको समझ आया होगा शेयर के प्राइजेस क्या, कैसे कैसे होते हैं। एट पार पैसा मांगा रहे 100 रुपए, मालिक बनाओगे 100 रुपए, यानी फेस वैल्यू इक्वल होगी इश्यू प्राइस। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो फेस वैल्यू आपकी कम है इश्यू प्राइस से, मतलब पैसा मांग रहे हो 120 बट मालिक बनाओगे 100 रुपए, ठीक है। तो 20 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहे हो उसे कहते हैं प्रीमियम, प्रीमियम। अच्छा फिर क्या हुआ, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, फेस वैल्यू 100 रुपए डिस्काउंट, इश्यू प्राइस कितना है 80, कम, ठीक है। तो 20 रुपए आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट। बात समझ आई, यस सर, है ना, यस सर। अच्छा अब इसके आगे देखो क्या है, जो हमारे शेयर्स हैं वो हम पार पे इशू कर सकते हैं, बोलो हाँ, है ना, यस सर, ठीक है। प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, yes, बोलो sir. हाँ, है ना, yes, है ना। बट जो शेयर्स है, यहाँ पे नोट लिखवा देता हूँ सर जी, शेयर्स जो होते हैं शेयर होल्डर उन्हें तो लॉसेस भी मिलते होंगे क्या, लॉसेस, लॉसेस नहीं होता भैया, कहीं ना कहीं मार्केट उसमें गुडविल है तभी तो ज्यादा पैसा दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि हाँ हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है, तभी तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, फालतू पैसा दे रहे हो। देखो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट। अभी हमारा कौन सा एक्ट चल रहा है, 2013 कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आप शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, ठीक है। पहले बताओ पहले कौन सा एक्ट था, पहले मतलब कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। फिर 2013 में वो एक्ट अमेंड हुआ, चेंज हुआ कुछ थोड़ा। तो 1956 के तहत जब वो एक्ट चल रहा था तब आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे, बट 2013 जैसे ये अमेंड हुआ 2013 में, उसके बाद कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि आप शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, कभी भी इशू नहीं कर सकते, कैन नॉट बी इशू। बात समझ आई, तो बताओ शेयर कैसे 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 इशू हो सकते हैं, फिर पार पे, एट प्रीमियम। हाँ बिल्कुल, एक तो पार पे इशू हो सकता है, ठीक है,
और फिर कैसे इश्यू हो सकता है प्रीमियम पे, बट डिस्काउंट पे कभी भी इश्यू नहीं होगा। नहीं, समझाने के लिए बताना पड़ा मुझको, तो ये ध्यान रखना कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे इश्यू शेयर नहीं इश्यू कर सकती, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे स्वैग इक्विटी शेयर्स को हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाके आप पढ़ोगे, आपके लिए अभी रेलिवेंट नहीं। बात समझ आई आपको? समझ आया? यस सर। बताओ शेयर कैसे कैसे इशू हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे? पार का मतलब क्या है? प्रीमियम, जब फेस वैल्यू बराबर होता है इशू प्राइस के, ठीक है, इशू प्राइस। समझ आया? यस सर। अच्छा, अब एक बार बताओ और क्लास लोगे, आगे बढ़ाएं या छुट्टी करते हैं? क्लास ओवर करें आज के लिए, आज के लिए इतना, ठीक है। पढ़ो। यस सर। बताओ सारे बच्चे। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत पढ़ा दिया, बहुत पढ़ा दिया। चलो समझ आया ना आपको? यस सर। तो एक बार देख लो हमने क्या क्या करा है। यहाँ से स्टार्ट करा था हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मिल जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ कंपनीज देखा हमने, ठीक है। अगले क्लास में सारे रिवाइज करके आना है। टाइप्स ऑफ कंपनी, फंड रेज करने के तरीके क्या है, ठीक है। फिर क्या है ये, ओवरव्यू दे दिया मैंने सारे चैप्टर्स का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने देखा शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, मतलब देख लिया हमने, ठीक है। शेयर कैपिटल मींस अमाउंट रेज बाय द कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, फिर शेयर बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर देख लिया, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जर्नल एंट्रीज वगैरह देख ली है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे शेयर्स कैसे कैसे इश्यू हो सकते हैं, ठीक है। यस सर, ठीक है। और डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगले क्लास में आपका जो अभी का होमवर्क है क्या रहेगा, जितनी सारी चीजें कॉन्सेप्ट करवा दी है आपको क्लास को कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और अगले क्लास में रिवाइज करके आना है, ठीक है। आप किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम क्लास यही में अब ओवर कर। बताओ सर, लेंडर को क्रेडिटर भी कह सकते हैं? लेंडर को क्रेडिटर, क्रेडिटर वैसे लेंडर बोलो तो आप ठीक रहेगा, क्योंकि क्रेडिटर में आप वो भी आ जाता है जो हमें क्या नाम है उधार में गुड सेल करता है, उधार में जिसे सम, है ना। तो आप लेंडर बोलो, क्योंकि लेंडर का मतलब होता है वो पर्सन जो हमको पैसा एडवांस करते हैं, ठीक है। तो लेंडर वर्ड ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड है ना भाई। और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, बोलो मोहित। फेस वैल्यू क्या होती है? क्या भाई, फेस वैल्यू का मतलब कितने रुपए से आप मालिक बना लोगे, यानी उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, मालिक वो कितने से बनाओगे फेस वैल्यू, इशू कितने में किया यानी बेचा कितने में, तो उसको कहते हैं इशू प्राइस। बताओ जी, पूछना है कुछ? No. चले फिर क्लास ओवर करें। Yes, sir. नोट yes, सारे sir. बच्चे बनाना अच्छे से, ठीक है। Yes, sir. Okay. Yes, sir, जी. क्लास ओवर करते हैं, ठीक है।